यहाँ से रूपा जी अगर नजर डालें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की ओर तो देख रहे हैं ग्वार गम का नवंबर वायदा 11,800 पर है 3.5% की तेजी के साथ, और ग्वार सीड का नवंबर वायदा 6,466 पर 2.5% की तेजी के साथ। रूपा जी देख रहे हैं ग्वार गम एक बार फिर से उछलता हुआ नजर आया है और 12,000 का जो आपने टारगेट दिया था उससे सिर्फ 200 पॉइंट की दूरी पर है। अब आपको यहां से क्या लगता है, क्या ग्वार गम आज 12,000 का लेवल दिखला पाएगा या फिर इस कारोबारी सप्ताह में ये लेवल अचीव हो पाएगा आपने जो ग्वार गम और ग्वार सीड के दिए थे? देखिए बिल्कुल अखिलेश, एक्सपेक्टेड है कि ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं ग्वार गम और ग्वार सीड में। जैसे कि मैंने बताया कि 12,000 का स्तर बिल्कुल पॉसिबल है आपको अभी कल के ट्रेडिंग सेशन में या आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाए, और सीड भी 6,500 तक ऊपर जा सकती है। इसके बाद भी बाजारों के अंदर लगातार तेजी रह सकती है, हो सकता है अगले हफ्ते के शुरुआती दौर में आपको थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। और 12,000 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है तो आप मान के चलिए ग्वार में कोई बड़ी बात नहीं, 13,000 से 15,000 का भी स्तर आता हुआ हमें दिखाई दे, लेकिन सस्टेनेबिलिटी आनी चाहिए मार्केट के अंदर इन लेवल्स के ऊपर। क्योंकि देखिए जैसे ही 12,000 से 12,500 के ऊपर मार्केट निकलेगा एक ह्यूज बाइंग हमें फिजिकल मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि एक बार फिर से ट्रेडर जो है वो एक्टिव हो सकते हैं और उसके चलते कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। फंडामेंटल जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस बार प्रोडक्शन कम है, काफी क्रॉप डैमेज है, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इस बार प्रोडक्शन काफी कम हुआ है किसानों ने, क्योंकि प्राइजेस काफी अरसे से हमने देखा कि किसानों को उचित प्राइस नहीं मिले तो इसलिए उन्होंने इसकी सोइंग काफी कम की है, तो इसका भी एक असर जो है देखने को मिल सकता है। अब जो कीमतें उठती हुई नजर आ रही हैं इस तेजी के अंदर, मुझे लगता है कि ग्वार गम जो है वो 15,000 का स्तर भी छू सकती है, और वहीं अगर सीड की बात करें तो वो 7,000 तक जा सकती है। जी, तो यानी कि जिस हिसाब से अभी फंडामेंटल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं ग्वार गम और ग्वार सीड के, उसके हिसाब से तो अभी हाल फिलहाल में यही लग रहा है कि जो कीमतें हैं वो अभी ऊपर में और ज्यादा तेज देखने को मिल सकती है। हालांकि वायदा बाजारों में ऊंची कीमतों पर मुनाफा वसूली भी बननी आनी तय ही है, करेक्शन जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन उस करेक्शन पे भी निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। और रूपा जी के अनुसार ग्वार गम में 15,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और ग्वार सीड के अंदर 7,000 तक के, जो कि काफी अच्छे खासे लेवल्स हैं। और जब वायदा बाजार के अंदर ये लेवल्स देखने को मिलेंगे तो हाजिर बाजारों के भी अंदर एक खरीदारी निकल के सामने आएगी। इससे रूपा जी बात करें अगर खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में देख रहे हैं कि रिफाइंड सोया तेल में और सोयाबीन में अब कुछ खरीदारी निकली है वायदा के अंदर, आपको क्या लगता है क्या रिफाइंड सोया तेल में जिस हिसाब से भी 1280 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं तो क्या 1300 के भी ऊपर के देखने को मिल सकते हैं? अखिलेश देखिए खाद्य तेलों में अब तेजी नहीं है, सरसों भी एक्सपायर हो चुकी है, उसका अगला वायदा पर सरकार ने फिलहाल रोक लगा रखी है, तो अभी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे हिसाब से एडिबल ऑयल पैक में अभी फिलहाल खरीदारी नहीं करनी चाहिए। जी,